नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत दी न्यूज़ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बिहार के प्रख्यात नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सरवन कुमार के क्लिनिक में ही आर्यमन डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन हुआ और एक तरह से कहा जाए कि यह बच्चों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि यहाँ जो है जो स्पेशल बच्चे हैं उनका विकास होगा, उनकी साथ स्वास्थ्य सेवा होगी अनुभवी विशेषज्ञों के द्वारा, और शांतिपूर्ण स्वच्छ और प्रेम वात्सल्य के वातावरण में। नमस्कार सर, अपना परिचय दे दें। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार जी, नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ। जैसा आपने कहा कि मैं नवजात शिशुओं का बिहार में सबसे पहले और सबसे अच्छा सेंटर किया, लेकिन इसमें होता क्या है कि नवजात शिशुओं में समस्याएं समय से पहले, चाहे वो होने के बाद नहीं रोए, चाहे किसी भी तरह की सांस में समस्या होने से, ऑक्सीजन की कमी से उनका ब्रेन डैमेज हो जाता है। अब ब्रेन डैमेज होने से बहुतों में मानसिक और शारीरिक दिव्यांगता हो जाती है, लेकिन अगर हम लोग समय से पहले उन लोग को दिव्यांगता होने के पहले हम लोग उनका विशेष ध्यान रख करके उनका थेरेपी और उनको विशेष ट्रेनिंग दे करके अगर हम लोग उनके ऊपर ध्यान दें तो उनका विकास सर्वांगीण होगा और वह किसी तरह की दिव्यांगता से नहीं रह पाएंगे। तो मेरा ये इसी उद्देश्य से मैंने सोचा कि मेरे यहाँ जो बच्चे जाते हैं उनका सही थेरेपी नहीं हो पाता, उन्हें सही दिशा निर्देश नहीं दिया जाता है कि उन्हें किस किस बात पर ध्यान दिया जाए। अगर उन्हें उनका बराबर एक चेकअप हो कि उनका अपने एज के अनुसार वो बैठ रहे हैं कि नहीं है, खड़े हो रहे हैं कि नहीं, उसे बोल रहे हैं कि नहीं, अगर वो नहीं हो रहे हैं तो तुरंत ही हमारे पास आए और उनका हम लोग चेकअप करके आर्यमन डेवलपमेंट सेंटर में थेरेपी शुरू करा देंगे तो उनका सर्वांगीण विकास होगा और वह नॉर्मल बच्चे बन पाएंगे। और अगर हम लोग जैसे ब्रेन डेवलपमेंट होता है 1 साल में 80%, 2 साल में 90%, तो 90% और 3 साल में करीब होता कि अगर हम लोग 3-4 साल के अंदर हम लोग बच्चे के ऊपर नहीं काम करें तो बच्चा का विकास बाद में भी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता। तो समय से रहते पहले ही हम लोगों को उन्हें विशेष ट्रेनिंग देना जरूरी है। इसी उद्देश्य से मैंने आर्यमन डेवलपमेंट सेंटर अपने प्रांगण में शुरू किया, जिससे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। जैसे कहते हैं बच्चे का बचना इम्पोर्टेंट नहीं है, बच्चे का पूरा बचना, यानी वह मानसिक शारीरिक रूप से पूरी तरह से बचे तभी उसका बचना सही है, नहीं तो वह कभी कभी बच्चा का बचना माता पिता और समाज और हमारे देश के लिए एक अभिशाप है और बोझ बन जाता है। तो इसलिए मेरा यही उद्देश्य है कि हम समय रहते हुए बच्चों का सर्वांगीण विकास कर पाए, इसी उद्देश्य से मैंने आर्यमन डेवलपमेंट सेंटर का यहाँ स्थापित किया, जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। आर्यमन डेवलपमेंट सेंटर का जो उद्घाटन हुआ था उसके बारे में जरा दर्शकों को बता दें। आर्यमन डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन हम लोग ने
जो देश की सबसे प्रसिद्ध डेवलपमेंटल पेडियाट्रिशियन डॉक्टर नलिन मुंदकर को हम लोगों ने बेंगलोर से बुलाया और यहाँ की जो हम लोग की व्यवस्था का निरीक्षण करवाया। कौन सी कलर है ये? येलो। ये कौन सी है? ग्रीन। ये रेड। क्लैपिंग। ये ब्लू। वाह, गुड, वेरी गुड, जीनियस बच्चा है ये। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? नाम नाम बता दीजिए हम लोग को। नाम बताओ, क्या नाम है? नवीन। नमन। इसमें से कौन सा बाल तुमको सबसे अधिक पसंद है, कौन सा रंग का? हमारा फेवरेट कौन है? फेवरेट कौन सा है? ज्यादा पसंद कौन है? कोई भी एक बाल ले लो, कौन जो तुमको पसंद है ले लो बाल। ग्रीन। वेरी गुड। ऑटिज्म वाले पेशेंट को किसी भी तरह का सेंसेशन फील कम होता है कंपेयर टू नॉर्मल, तो इस तरह से हम उसका ब्रेन को रीएजुकेट करते हैं हर तरह का स्टिमुलेशन देकर, हार्ड सॉफ्ट उससे सॉफ्ट सॉफ्ट मतलब तो बहुत लाइट टच पहले देते हैं, फिर हार्ड, फिर उससे हार्ड, उससे हार्ड, ऐसा जाता है, तो इसलिए देते हैं ताकि उसका ब्रेन फिर से एक्टिव हो और हर तरह का परसेप्शन को परसीव करे। स्टिमुलेशन देते हैं हम लोग, सेंसरी इंटीग्रेशन का पार्ट है, तो ये एक तरह का पहले सॉफ्ट फिर हार्ड उससे हार्ड जाके इसको सेंसेशन स्टिमुलेशन देना है, तो ये बच्चा इस पर रिपीट करेगा एटलीस्ट 10 टाइम। एक पे दोनों पैर, हाँ इस पे भी रखो, हाँ हम नीचे उतर जाओ, फिर से आओ। सेवन तीन रुक 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 और सुनो, सेवन वन तीन तीन वेरी गुड। ये इधर 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 नमस्कार, अपना परिचय देंगे। मैं नीना मोटानी आर्यमन डेवलपमेंटल सेंटर की डायरेक्टर हूँ और आर्यमन डेवलपमेंटल सेंटर अभी 3-4 महीने पहले ही इसको हम लोगों ने खोला है और इसमें सारा देख रेख करती हूँ मैम। ये जो आर्यमन डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना हुई है, इसका विचार कैसे आया कि राजधानी पटना में इसकी स्थापना हो ताकि स्वस्थ बच्चों के द्वारा स्वस्थ समाज का निर्माण हो और परिवार में खुशियां आए? इसका विचार ऐसा आया कि हमारा जो न्यूबॉर्न केयर सेंटर है जी, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो एडमिट होते हैं, बच्चे अगर समय पर पैदा होते ही 1 मिनट के भीतर नहीं रोते हैं तो उनको बर्थ एस्फिक्सिया कहते हैं, जिसके कारण कि उनका ब्रेन का पार्ट डैमेज हो जाता है और ऐसे बच्चे बस तो जाते हैं लेकिन इनका शारीरिक और मानसिक विकास सही ढंग से नहीं होता है, तो इस तरह के जो बच्चे बच गए लेकिन शारीरिक और मानसिक विकास में कमी हुई, इन सब बच्चों को देखकर हमें विचार आया कि हम लोग क्यों नहीं एक सेंटर खोले जहाँ की बहुत समय से ही इन बच्चों का इलाज हो, क्योंकि ब्रेन का सबसे ज़्यादा विकास शुरू के 5 साल में होता है, अगर 5 साल के भीतर इन बच्चों का इलाज शुरू कर दिया जाए तो ठीक होने की संभावना काफ़ी हद तक अच्छी रहती है, लेकिन वही अगर 5 साल के बाद हो तो चूंकि ब्रेन का विकास 90% तक हो चुका होता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, यही सब सोचकर हम लोगों ने आर्यमन डेवलपमेंटल सेंटर की स्थापना की। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और यहाँ जो है आर्यमन डेवलपमेंट सेंटर में यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही शांतिपूर्ण है, साथ ही साथ नीट एंड साफ सुथरा है और जो यहाँ के स्टाफ है उनका व्यवहार भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा और
मेरे ख्याल से लगता है कि जो भी बच्चे यहाँ आएंगे अभिभावक बच्चों को देख करके वो खुश होकर ही जाएंगे और बच्चों का जीवन जो है स्वस्थ बनाएंगे, साथ ही साथ बच्चों के अधिकारों की भी रक्षा होगी यहाँ आने के बाद। आपको अमृत जी न्यूज़ की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं कि आपका जो अभियान है उसमें आप सफल हों और आपकी जो संस्था है आर्मन डेवलपमेंट सेंटर उनको पुरस्कार मिले राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं रंजन कुमार, अमृत दी न्यूज, पटना बिहार। नमस्कार।